आज पटौदी विधानसभा क्षेत्र के गांव जनौला में केंद्रीय मंत्री सांसद राव इंद्रजीत सिंह के पहुंचने पर उनका पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया गया। सांसद राव इंद्रजीत सिंह के जनौला में पहुंचने पर राव साहब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। पूर्व मंत्री बिमला चौधरी ने भी मंच पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राव के अलावा इस क्षेत्र की जिम्मेदारी कोई नहीं संभाल सकता। वहीं क्या कहा सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। धरने पे तो हम बैठे थे और धरने के अगर नहीं बैठे होते तो ये काम सिरे नहीं करते। और जो पांच लोग अनशन के ऊपर बैठे, जवान लड़का कहता था कि मेरे को 5 किलो वजन घटाना पड़ा। अब वैसे जवानी के अंदर तो चर्बी चढ़ती नहीं है, जब आदमी 20 की उम्र का हो जाता है जब चर्बी चढ़नी शुरू होती है, तो जवान बच्चे की 5 किलो वजन घटना एक मायने रखता है। तो मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि तुमने अनशन पर बैठ करके गांव को प्रेरित किया और गांव को प्रेरित करने में महिलाओं की बराबर की जो तादाद थी उन्होंने बाकी गांव के और सभी लोगों को प्रेरित किया और तुम्हारी वजह से यहां के नेतागण सारे के सारे जोश में आए और मेरे को भी आगे के लोगों ने प्रेरित किया। तो आज मैं ये मुबारकबाद और शरद के ऊपर जो बांधी हुई इज्जत की पगड़ी है अपने सर से उतार करके आप सब गांव वालों के सर के ऊपर रखना चाहता हूं। ये नौजवान, ये बुजुर्ग, ये महिलाएं, ये इलाका 5 साल पहले तकरीबन आप लोगों ने दोबारा से मुझे एमपी अपना नियुक्त किया। मोदी सरकार बनी, हरियाणा सरकार बनी, हालांकि हरियाणा सरकार में थोड़ा कठिन करना पड़ा, जोड़ तोड़ करना पड़ा, लेकिन आप लोगों के सहयोग से हरियाणा के अंदर आज भी 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। और जब पिछली बार आप लोगों ने हमें नियुक्त किया उसके तुरंत बाद याद करो ये कोविड का प्रकोप हमारे ऊपर सबके ऊपर आकर के चार जाए और हम धन्यवाद भी नहीं कर पाए, ढंग से बाहर निकल भी नहीं पाए, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पाए। और जो भी बात हुई है, जो जवान लड़के तो समझते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैसे बात होती है, लेकिन मेरी उम्र वाले और मेरे साथी की उम्र वालों को जिनको आंख से आंख मिला करके बात करने की आदत होती है, हम आपसे आग ना मिला पाए और ना ही पत्रकारों से बात कर पाए।
कोविड का दुख कई कुंभों को सहना पड़ा, कई लोगों के बीच के अंदर से लोगों की जान चली गई। और मुझे एक वाक्य याद आता है, इच्छापुरी का कोई मेरा साथी था, कोविड से बीमार था, और उसका बेटा कहता है मेरे से कि हम तेरे साथ तीन पुश्त लगे हुए हैं, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही, मैं बाप का इलाज करवाना चाहता हूं, मैं दांत का के आता। मैंने कभी कोशिश करते, वो डीसी से बात करी, वहां डॉक्टर त्रेहन होते हैं एक नाम के बंदे, बड़े मशहूर डॉक्टर, उनसे बात करी, उसको एडमिशन मिल गया। जब बाप को लेने गए तो बाप बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरा सारा कुंबा पछले लेकिन मैं मेदांता के अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि अगर मैं मर गया तो मेरी शक्ल भी देखने लायक कोई नहीं होगा, नहीं एक थैले के अंदर मेरे को बंद करके, और कुंडे वाले भी नहीं आएंगे, देना का टाइम आएगा तो कुंडे वाले भी नहीं होंगे, और जितना खर्चा होगा मेदांता के अंदर मेरे जाने के बाद वो कौन भरेगा? और बच्चों को आज के दिन नौकरी है नहीं, घर भी थोड़ी मोटी सारी की सारी मिल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा कुंबा। मैं तो वेदांता नहीं जा। ऐसे भी वाक्य आए कि वो मर गया और बच्चे बेचारे पीछे पीछे से कहते रहे कि चले जाता तो शायद ये ठीक हो जाता, लेकिन इस तरह का भी वातावरण हो गया था, इतने का भी खौफ हो गया था, लाख दो लाख नहीं 20-25 लाख जाकर के वेदांता में खर्च हो। आज सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत नाम का एक कार्ड बना है, 5 लाख तक की सुविधा चिकित्सा हरेक उस कुंबे को मिलती है, 10.5 करोड़ कुंबे देश के अंदर, और एक कुंबे में समझ लो आप 4-5 कुंबे तो हो ही जाते हैं, जो मेहनत करेगा तो उसको मिल जाएगा। हम तो हमने ये यात्रा चला रखी है नरेंद्र मोदी की तरफ से, ये जो भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, इसके अंदर हमने ये सोचा है कि आने वाले 25 वर्ष और जो हैं इसके अंदर 100 साल पूरे हो जाएंगे हमारी आजादी को, उस टाइम भारत विकसित हो जाएगा। और इसके अंदर जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, किसान कार्ड नहीं है, जिसके पास चूल्हे की आवश्यकता है उसके पास चूल्हा नहीं मिला, और अनेक भारत जल की सुविधाएं हैं, आज के दिन 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको राशन कोविड के दौरान देना शुरू किया और अभी तक चल रहा है, और आगे एक साल तक और चलेगा। यह भी कह दिया है कि भी आने वाले समय के लिए कोई भुखमरी से नहीं मरेगा। तो ये जो विकसित भारत यात्रा का जो संकल्प ले रहे हैं हम, आप लोगों की इमदाद से ही पूरा होने लग रहा है, आप लोगों के सहयोग से ही आने वाले समय के अंदर पूरा होगा। और मैं यहां जैसे सफेद बाड़ी वाले बैठे हैं हमारे बीच के अंदर, शायद ये 25 साल हम तो नहीं देख पाए, लेकिन जिन्होंने माला पहनाई थी मेरे कई बच्चे पीछे खड़े हुए हैं, इनके सामने भारत विकसित हो सकता है। और क्यों हो सकता है? क्योंकि इतिहास का एक चक्र है, जो एक बार होता है वो थोड़े दिनों के बाद दोबारा से संतुलित वहीं पहुंच जाती है, घड़ी की तरह वो चलती है फिर वहीं पहुंच जाती है। जैसे शुरू के अंदर कहते हैं कि सतयुग आता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर कलयुग आता है, फिर से इस चौथी बार फिर से सतयुग आ जाता है। इसी तरह से इतिहास का भी चक्कर चलता है। और हिंदुस्तान जब भारत एक सोने की चिड़िया कहलाया जाया करता था, विश्व के जो 1000 साल का इतिहास अगर कोई देखता है, और ये कोई ना मैं कह रहा, ना कोई भारतवासी कह रहा, ना कोई अंग्रेज कह रहा, ये हॉलैंड की यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ा भारी नामक इकोनॉमिस्ट, उसने ये बताया सिर्फ रिसर्च करने के बाद कि 1000 से लेकर के 2000 तक 1700 यानी कि 1000 साल 7वीं शताब्दी से लेकर के जब तक अंग्रेज आया, इतने हो गए 17वीं शताब्दी, 1000 साल तक भारत का विश्व के आर्थिक स्थिति के अंदर
24 से लेकर के और 27 फीसदी हुआ करता था 1000 साल। और अंग्रेज गया तो ये घट करके 3.5% रह गया। जब ये 1947 के अंदर तो सिर्फ 3.5% दुनिया की जो आर्थिक स्थिति थी उसका हिस्सा था। ये कह रही यूं बता रहा हूं आपको कि जब 1000 बरस तक हम विकसित देश माने जाते थे, 27% तक हमारा हिस्सा विश्व की आर्थिक स्थिति में हुआ करता था, तो क्या हम आने वाले 25 साल के अंदर प्रयास करें और जिस रफ्तार से हम बढ़ने लग रहे हैं क्या हम दोबारा से विकसित नहीं हो जाएंगे? हो सकता है, मेरा मन कहता है। और जो पिछले 75 साल की जो रफ्तार हमारी चली है, जोग्राफिकल प्रोग्रेशन के तौर पर बढ़ाई हुई है, कहा तो हम 1000 रुपए तो कहते थे तो भिकमुखों का है, सब सपेरों का मुल्क है, ये कैसे चलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति चौराई हुई है, कैसे चलेगा। लेकिन आज के दिन जब कोविड के दौरान लोगों को तिराई तिराई हो रही थी सुई की टीके की, तो ना केवल हमने अपने देश के लोगों को दिया लेकिन बाहर के लोगों को मुल्कों को भी हमने टीका मुहैया करवाया हमारे साथ। और अगर इस रफ्तार में चलते रहेंगे तो शायद हम आने वाले 25 साल के अंदर विकसित बन जाएंगे। और ये जो समस्या है हमारी गांव की, हमारे मोहल्लों की, हमारे शहरों की, आज हमारे यहाँ 2-3 बार महिलाएं भी आई, सरपंच भी आया, लड़के भी आए, क्योंकि हम राम मंदिर बना रहे हैं। अब कैसे राम राज हमारे रास्ता ही रास्ता खराब हो रहा है। और एक बुजुर्ग महिला मेरे को अपने गोडे तक के पैर दिखाने लग रही थी कि देखो इस पानी में से चल करके मेरे फोड़े हुए, मजबूरन चलना पड़ा। तो ये इस तरह की समस्याएं हम हल करवाना चाहते हैं। आपके यहां मैं आया हूं तो आज मैं आपको यूं कहता हूं कि आपको इस रास्ते को जल्द से जल्द मैं बनाऊ, पानी का भी समस्या निकाल। लेकिन ये और गांव में भी है। आज तो मैं आपके गांव में आ गया, आपको आश्वासन दे गया, मेरे साथ अफसर लोग आए हुए हैं, उनको मैं थोड़ा सा कहूंगा तो थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। लेकिन और अनेक गांव जहां तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, जो मेरे तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनको भी तो विकसित हमने करवाना है, उनके बच्चों को भी तो हमने नौकरी लगवाना है, हमारी माली हालत तो सुधरेगी नहीं, कैसे लगाएंगे सड़क कैसे कैसे लगाएंगे बच्चों को नौकरी। आज के दिन गुड़गावा अकेला, हरियाणा के जितने भी जिले 22 के 22 हैं उनमें से एक तरफ सारे 21 को छोड़ दो और बाकी गुड़गांव का एक तरफ को ले लो, अकेला गुड़गांव से पैसा जाता है 70%। लोग यहां पर फैक्ट्री लगा रहे हैं, यहां पर रेजिडेंशियल बन रहे हैं, और उसी के मार्फत जो हरियाणा के अंदर आज के दिन यह है कि अभी एक जिले के अंदर अब जाकर चीफ मिनिस्टर होता है, उस जिले के अंदर ही केवल हम काम नहीं करेंगे, बराबर के तौर के ऊपर हम सब जिलों के अंदर काम करेंगे, सब बिरादरियों के अंदर हम काम करेंगे, चल रहा है। लेकिन पैसा पैसा कौन भर रहा है? हाँ, गुड़गांव धरती किसकी जारी है? हाँ, आपके गांव की। आने वाले समय के अंदर हमारी धरती जाए, हमारे को उसका पूरा फायदा ना मिले, ये भी आपत्तिजनक बात तो हो ही जाएगी ना। तो इस चीज के लिए भी हमको संगठित रहना है और आने वाले समय के अंदर कुल मिलाकर के ये सोच करके चलना है कि काम हम दूसरों का भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन पहले हमारा घर तो पूरा होगा, हमारे बच्चों को जो नौकरी लगे, हमारे घर वालों को तो कम से कम खाने की रोटी मिले। तो इस तरह का जो वातावरण आज के दिन हम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि पहले आने वाले समय के अंदर हमारे यहाँ पे भी हो, और चाहे वो देहात में बसने वाला बंदा हो, चाहे वो शहर के अंदर हो, मर्द हो, वीर हो, सबके लिए ये सरकार प्रयासरत है। और हम खुशकिस्मत हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे को मिला है जो कि आगे की सोच रखता है। आप सोचो, इतिहास में सोचो, जो भी हम 52 के अंदर पहला इलेक्शन लड़े, 52 के अंदर प्रजातंत्र का पहला इलेक्शन लड़ा गया था, और उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, ज्यादातर तो कांग्रेस की ही आई थी, लेकिन जितनी भी सरकारें आई, एक बार भी सत्तासीन हुई, उसके बाद दोबारा भी सत्तासीन हुई, लेकिन दूसरी बार जब वो सत्तासीन हुई, क्या वो पहली बार की नफरी को लांघ करके सत्तासीन हुई? ये सोचो, नहीं।
हो सकता है कि दूसरी बारी उनको मेजोरिटी मिल गई हो, लेकिन पहली वाली बारी से खास मेजोरिटी मिल गई थी वो सत्तासी। और 14 के अंदर जब नरेंद्र भाई मोदी को बनाया प्रधानमंत्री देश ने तो 273 लोकसभा की, और जब 19 के अंदर बनाया तो 273 से बढ़कर के 303। पहली बार इतिहास के अंदर ऐसा हुआ है कि पहली मेजोरिटी से फालतू मेजोरिटी हो चुकी है। और अब लक्ष्य रखा हुआ है, पार्टी को लक्ष्य रख देती है तो पूरा तो हमने और आपने करना पड़ेगा, अगर वोट तो आपके हाथ में हमारे हाथ में, तो हम पे लक्ष्य रखा हुआ है कि 350 की तो भाई देखो देश को विकसित करना है, जो कोविड की मार पड़ी है उसके ऊपर सेत लगानी है, जो साठ बनी है विश्व के अंदर कोविड की वजह से उसको उभार करके फिर से आगे चलना है, तो भाई हमारे को फिर से भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र भाई मोदी को अपना सहयोग देना पड़ेगा। आपके अजीज के तौर के ऊपर मैं आपको सलाह ही दे सकता हूं, मेरे से ज्यादा जानकारी आप लोगों को मालूम है, लेकिन मैं ये कहता हूं आपको कि आज के दिन भारत को ये जो प्रधानमंत्री मिला है, अगले 5 वर्ष के अंदर अगर दोबारा से आप लोग उनको प्रधानमंत्री का खिताब प्रदान करवा देते हैं तो आज विश्व के अंदर हमारी माली हालत 4 स्थान पर, 2-3 साल के अंदर हम जापान को लांघ करके 3 स्थान पर पहुंच गए। बचेगा कौन? या तो चाइना बचेगा जो हमारे बगल के अंदर हमारा दुश्मन है, या अमेरिका बचेगा, और वो उसके लिए फिर अगले 20 साल पड़े 47 बच्चा। तो 100 साल की अगर आज के दिन हम घर भरना चाहते हैं तो पहला कदम तो इस लोकसभा चुनाव के अंदर आपको चलना पड़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि जिस तरह से पहले सहयोग आप लोगों ने दिया था, मान सम्मान दिया था, अपना मत दिया था, अमेरिकी तब से पाई थी, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र भाई मोदी की पार्टी को आप लोग अपना सहयोग दें और आने वाले समय के ताकतों को यहाँ से भेजिए। धन्यवाद। और